नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा दिल्ली स्टूडियो से। मिटके बाजार में आप सभी का स्वागत है। आपकी तमाम क्वेरीज शो में हम शामिल करेंगे। ठीक 1:30 बजे शुरुआत होगी हमारे खास शो डेंजर जोन के। लेकिन सबसे पहले अगर मार्केट्स का हाल देखें तो सुबह से भारतीय बाजार एक दायरे में कामकाज कर रहे हैं। 8600 के ऊपर निफ्टी अभी भी टिका हुआ है। 8629 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, तो एक सुस्त कामकाज हो रहा है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल फ्लैट है। सेंसेक्स में बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली खरीदारी आज के सेशन में देखी जा रही है। कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स हैं और स्टॉक्स हैं जो कि आज चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिड कैप के वो शेयर्स जो कि जोरदार तेजी दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस सुबह स्टॉक 50 में आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी स्टॉक पर, और देखिए अभी अर्निंग्स आए हैं, नतीजे भी अच्छे रहे और कंपनी ने साथ साथ बोनस और स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट किया। स्टॉक दिन के उच्चतम स्तरों में 6% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। 9035 के टारगेट्स दिए गए थे, उन टारगेट्स को अचीव किया। इसके अलावा रिलायंस पार, एलएनटी फाइनेंस, कैनरा बैंक, निवेली लिग्नाइट, ये कुछ और शेयर्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। एमटेक ऑटो नहीं, पूरे ही एमटेक ग्रुप में मोमेंटम तेज है। ये लगातार तीसरा सेशन है जब जबरदस्त उछाल इन शेयरों में देखा जा रहा है। इसके अलावा मुकुंद लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, ये स्मॉल कैप कैटेगरी के वो शेयर्स जहां पर जोरदार उछाल अच्छे वॉल्यूम साथ आज के सेशन में देखा जा रहा है। तो एक सुस्त कामकाज हो रहा है, लेकिन जो आपकी तमाम क्वेरीज हैं उनको हम शो में शामिल करेंगे। राजेश सतपुत और विवेक महाजन हमारे साथ मौजूद है आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं शो में शामिल होने का। मिड कैप हमारा कीवर्ड है। मिड कैप आप लिखिए, अपना सवाल आप मेंशन कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा आप बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800180354, दूसरा नंबर है 01204258237। व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज आप हम तक भेजें। अपना नाम लिखिए, शेयर का नाम लिखिए और उसको व्हाट्सएप कर दें 7840024x0 पर। श्योर, आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इनफैक्ट संदीप कुलकर्णी ने पुणे से मैसेज किया है हमें। राजेश, उनका सवाल है, नितिन फायर 1000 odd shares उनके पास में, 31.50 odd levels पर उनकी परचेज प्राइस है। हालांकि उनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट नितिन फायर कितना बेटर प्रस्पेक्ट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड टेक्निकल परस्पेक्टिव से आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, नितिन फायर का जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है हमने ये लास्ट टाइम भी कवर किया था। नितिन फायर का जो ट्रेंड है वो एक साइडवेज है, साइडवेज टू नेगेटिव बायस है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो 34 के आसपास है, वेराज द सपोर्ट जो है उसका इमीडिएट सपोर्ट इज 29। सो यू कैन से 29 एंड 34 में ये अटक गया है। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये बहुत बड़ा रेंज है, लाइक 10% का रेंज है, लेकिन अगर आप वीकली काउंटर को देखें तो वीकली में इसमें बहुत कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देता। तो मेरा यही कहना है कि काउंटर में फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है, तो बेटर आप कुछ फ्रंटलाइन मिड कैप्स में काम करिए या ब्लू चिप में काम करिए। मिड कैप्स में बहुत सारे काउंटर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो एफ एंड ओ में काउंटर्स है। फिलहाल के लिए मेरा इसमें यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर यहाँ से छोटा मोटा पुलबैक मिलता है तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। एवा करूवासा बैंक के शेयर को देख लेते हैं। अभी भी नंबर्स आए हैं और जो नेट प्रॉफिट है बैंक का वो इम्प्रूव हुआ है, 134 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ रहा है। लेकिन ग्रॉस एनपीए में बढ़त देखी गई है, 1.3% से बढ़कर जो बैंक के ग्रॉस एनपीए हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर वो 1.79% पर रहे हैं। वही नेट एनपीए में भी 0.55% से बढ़कर नेट एनपीए का आंकड़ा 0.79% रहा है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही इंचिंग अप हुई है, और साथ ही जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर मार्जिनल इंक्रीज दिखा है, लेकिन नेट एनपीए करीब करीब 40% के आसपास बढ़े हैं। स्टॉक हमने देखा आफ्टर अर्निंग्स एक सडन डिप इसने लिया और अभी भी 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। राइट बैक है इसमें करीब करीब 12.5 करोड़ का, और जो प्रोविजन है वो 66.9 करोड़ के आसपास रहे हैं। तो नतीजों के बाद आप देख रहे हैं शेयर करीब 2% नीचे ट्रेड कर रहा है 499 के लेवल्स पर। अब अगला कॉलर जो है, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो बैंकिंग स्टॉक पर ही है। एनके बेहरा है ओडिशा से। बेहरा साहब नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए। गुड आफ्टरनून मैडम, मुझे थोड़ा पूछना है आईओबी बैंक के ऊपर। मेरे पास 400 शेयर है एट द रेट 26 रुपीज, मेरा एक साल का नजरिया है, तो क्या करूं मैम? जी काफी नुकसान आपको हो रहा है। आपके आपका 46 का परचेजिंग प्राइस है फिर 26 का? 26 मैम, 46 यानी ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर। 26 मैम, 26 ठीक है ठीक है ठीक है। राजेश, 26 की इनकी खरीद है इंडियन ओवरसीज बैंक में, और स्टॉक इनके परचेजिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 1.5 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुनाफा लेकर निकला है बाहर या फिर होल्ड रखे?
देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक मुझे लगता है कि नतीजे के बाद इसमें एक बहुत वोलेटाइल और चौपी मूव आएगा। आप देखिए पीएसयूज में इतनी सारी रैलीज आई है, लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक में इतनी खास रैली नहीं। डेफिनेटली एनपीएस के इशू होंगे। देखिए टेक्निकली भी यहाँ पे देखें तो 28 के ऊपर इमीजिएट जाना मुश्किल है और 28 का रेजिस्टेंस है। यू कैन से अगर 28 निकाले तो यहाँ पे आप 36-37 तक की एक रैली देखेंगे। मुझे लगता है कि आपने जो एंट्री की है वो एंट्री पॉइंट के नीचे ₹1 स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और इसे होल्ड रखिए। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है देन मे बी यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर पोजीशन। श्योर। इनफैक्ट मूविंग ऑन, अमरीश ने हमें कॉल किया हुआ नागपुर से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून, आपका सवाल पूछिए अमरीश। हाँ, मेरे पास IDFC बैंक के 200 शेयर है ₹52 के प्राइस पे। इसका रिजल्ट कैसा होगा, होने वाला है, कुछ बता सकते हैं क्या? श्योर। इनफैक्ट अर्निंग्स पोल आपको डेफिनेटली हम बताएंगे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, बट टेक्निकल परस्पेक्टिव में आपको राय जरूर दिला देते हैं। राजेश, IDFC बैंक जैसे उन्होंने पूछा कि विद द रीसेंट इंटीग्रेशन ऑफ अ अनलिस्टेड प्लेयर, आपको क्या लगता है कि कितना बेटर प्रोस्पेक्ट है गोइंग फॉरवर्ड और यहाँ से लेकर कौन कौन से लेवल्स दिखा सकता है, मे बी अर्निंग्स पे रन थ्रू? देखिए IDFC मुझे लगता है कि इसमें जो बेस फॉर्मेशन है टेक्निकली वो रफली हम देख रहे हैं 50-51 के आसपास इसका बेस फॉर्मेशन है और जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है वो है 58 का। सो आप अगर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मूव या यू कैन से एक मीडियम टर्म आउटलुक लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है उसका जो टारगेट है वो 58 के ऊपर तो फिलहाल नहीं दिखता। अगर ये 58 का लेवल तोड़ दे या निकाल दे तो आप देखोगे कि IDFC में एक फ्रेश बाइंग इमर्ज होगा जो इसको एक शॉर्ट कवरिंग रैली के में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसमें रफली इसका टारगेट देखोगे 78 का। तो फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि IDFC में आप बने रहें। आप 50 के हिसाब से, सिंस यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर, आप 50 का लेवल कीनली वॉच करिए। अगर 50 के नीचे आएगा तो फिर से एक 2-3 रुपये नीचे आएगा, लेकिन एक बात है IDFC में बहुत बड़ा सेल ऑफ या बहुत बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लगता। सो मुझे लगता है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप इसे होल्ड रखिए। रिजल्ट के बाद डेफिनेटली आप उसमें कुछ मोमेंट देखोगे। अगर 57-58 का लेवल निकाल दे तो 78 का टारगेट मिलेगा। सो आई थिंक व्हाट यू नीड इज अ पेशेंस, जस्ट होल्ड योर लॉन्ग। जी, तो फिलहाल पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। IDFC बैंक में स्टॉक करीब 2% ऊपर अभी 51.85 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और आज नतीजे भी आने हैं IDFC लिमिटेड और IDFC बैंक दोनों के ही। नजर रखकर चलें स्टॉक्स पर। अगले कॉलर हमारे साथ राजेश है बेंगलुरु से। गुड आफ्टरनून राजेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास CSG एल्युमिनियम है, 200 पे है, 100 शेयर लिए है। परचेजिंग प्राइस आपका ₹200 का है SG एल्युमिनियम में? जी मैडम। ठीक है, और कितना समय आप रुक सकते हैं इस शेयर में? तो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक रुकना ही है मैडम। जी राजेश, काफी नुकसान हो रहा है इनको SD एल्युमिनियम में। इनका जो खरीद भाव है वो ₹200 का है और स्टॉक अब करीब करीब 79.6 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज 5.5% का उछाल है, लेकिन हमने देखा है कि बीते 6 मंथ्स में कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्म रहा है। 200 के लेवल से लगातार करेक्ट हो रहा है, जिसके बाद इसने करीब करीब 70 के आसपास के लोस भी टच किए और 19 तरह के आसपास अभी बरकरार है। होल्ड करना चाहते हैं, क्या उम्मीद की जाए कि अगर ये बने रहे तो 200 तक के लेवल वापस अचीव कर सकता है? देखिए 200 तक के लेवल तो मुझे लगता है कम से कम इसको 1 साल लगेगा, मिनिमम 1 ईयर मुझे लगता है जो चार्ट दिखा रहा है वो हिसाब से। आप देखिए मेटल सेक्टर ने पूरा, अगर आप मार्केट देखो तो मार्केट को जो सपोर्ट मिला है वो ब्रॉडली मेटल सेक्टर से मिला है। उसके बावजूद SD एल्युमिनियम का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिड कैप के बतौर कुछ है नहीं। इनफैक्ट ऐसे माहौल में मिड कैप ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चले नहीं है। तो डेफिनेटली देर हैज़ टू बी सम रीज़न, देर हैज़ टू बी सम फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड इट। एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, मुझे लगता है कि जो SD का जो बेस बन रहा है वो रफली 72 और 75 का बेस है। करंट मार्केट प्राइस 79 का है, तो अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग इनिशिएट किया, फ्रेश लॉन्ग, तो मुझे लगता है कि उसका जो टारगेट रहेगा 110। तो वो पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल सकता हूँ कि येस, ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस SD एल्युमिनियम में बाय कॉल इनिशिएट हो सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 70, टारगेट 110। लेकिन 200 का जो आपका लेवल है वो फिलहाल तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है। श्योर, मूविंग ऑन, अगली कॉलर है सपना फ्रॉम पुणे। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास मेग मनी ऑर्गेनिक्स है 500 एट द रेट ऑफ 73 एंड आई हैव JM फाइनेंशियल आल्सो 300 एट द रेट ऑफ 53। ऑलराइट,
आपने मेगमनी ऑर्गेनिक्स कभी लिए थे शेयर्स? सॉरी, एट द रेट ऑफ 43 आई हैड टेकन. एंड व्हेन डिड यू परचेज मेगमनी ऑर्गेनिक्स? एट द रेट ऑफ 43 आई हैव परचेज. ऑल राइट, बिल्कुल आपको राय दिलाते. इनफैक्ट राजेश, योर क्विक रिएक्शन. मेगमनी ऑर्गेनिक्स 43 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेस प्राइस है. लगभग अगर हम तीन महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज रिजन फ्रॉम 30 ऑड लेवल्स एंड इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 50. एक फिनोमिनल रन और इट हैज जनरेटेड इनफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स. आपको क्या लगता है, विल दिस कंटिन्यू? और जेएम फाइनेंशियल 300 ऑड शेयर्स एट 53. एक रिसेंट ट्रेंड हमने देखे मिला था लास्ट वीक वेर इन ऑल द ब्रोकिंग हाउसेस हैव ऑलरेडी सीन अ रन अप. आपको क्या लगता है, विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू? मैडम, आपने जो एंट्री की है वो थोड़ी सी हायर साइड पे है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू. एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम आपने खेलने के लिए एक ट्रेड लिया है, तो मुझे लगता है वो मोमेंटम कहीं ना कहीं फिजल आउट हो सकता है एज फार एज द मेगमनी ऑर्गेनिक्स इज कंसर्न. एक्सक्यूज मी, अपसाइड में इसका जो बैरियर है यानी जो रेजिस्टेंस है वो है 50-51 में, यानी 50 और 51 रुपये के आसपास. यहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट टेकिंग करना पड़ेगा. जनरली 1-1.5 रुपये के लिए आप वेट नहीं करें, मुझे लगता है आप यहाँ से एक बार के लिए एग्जिट कर लिए. इसमें मुझे ज़्यादा अपसाइड नहीं लगता. जेएम फाइनेंशियल्स रादर जैसे जो ओवरऑल जो ट्रेंड है, ये जैसे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ या जेएम फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनीज़ है उन्होंने बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, उसमें से जेएम फाइनेंशियल्स भी एक है. देखिए, जेएम फाइनेंशियल्स का जो रनअप है वो रफली 50-51 से चालू हुआ है और आप करंट मार्केट प्राइस 72. मुझे लगता है आप इसमें से पार्शियल प्रॉफिट तो मिनिमम बुक कर लीजिए, पार्शियल आप होल्ड रखिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 68 रुपीज़. सो 68 के स्टॉप लॉस के हिसाब के साथ आप आधे शेयर्स होल्ड रखें और आधे यहाँ पे बुक कर लीजिए. जी, चलिए, राय आपको दी गई है. जेएम फाइनेंशियल पर स्टॉक अभी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, कल भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था. अगले कॉलर हमारे साथ मनीष है मुंबई से. मनीष नमस्कार, सवाल पूछिए अपना. क्या सवाल है मनीष आपका, पूछिए. चलिए, लग रहा है इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन इन्होंने जो डिटेल्स हमें भेजी हैं, इनफैक्ट उदय शंकर हमारे साथ हैं. उदय शंकर जी नमस्कार, क्वेश्चन पूछें अपना. नमस्कार. हाँ जी मैडम, जीएचसीएल 200 हमारे पास है. ओके, किस प्राइस पर है आपके पास जीएचसीएल? 112 के स्तर पर है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है आपका निवेश. कंग्रेचुलेशन आपको. देखो क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं. विवेक महाजन भी हमारे साथ मौजूद है, उनके कमेंट्स ले लेते हैं. विवेक, गुड आफ्टरनून. जीएचसीएल कल नतीजे आए थे जीएचसीएल के और हमने देखा था कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट डबल हुई थी, 61 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ रहा था. उसके बाद स्टॉक में रिएक्शन भी आया. इनका परचेजिंग प्राइस भी अट्रैक्टिव लेवल्स पर 115 रुपये की खरीद है, 215 पर शेयर ट्रेड कर रहा है. मुनाफा समेट लें या फिर अभी होल्ड रखें? एक्चुअली जो जीएससीएल है दैट इज इन टू मेन बिजनेस, वन इज केमिकल, द अदर वन इज टेक्सटाइल. द केमिकल बिजनेस इज बेसिकली सोडा ऐश. सोडा ऐश प्राइसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट्स हैव गॉन अप. वी आर हैविंग ए डेफिसिट कैपेसिटी इन द कंट्री. इन स्पाइट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी सोडा ऐश इज गेटिंग इम्पोर्टेड इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये जो कंपनी है ये कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी जा रही है. We believe the company should be reporting even superior numbers in the quarters to come. इसमें पोजीशन बनाए रखनी चाहिए. The stock has a potential to go to anything between 275 to 300 by end of one year. जी, तो होल्ड करने की सलाह है. ऑलरेडी आपको दुगना मुनाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ से और इम्प्रूवमेंट देख सकती है, 300 तक के लेवल्स भी टच कर सकता है अगर साल भर का नजरिया आप रखें, ऐसा विवेक मानते हैं, तो होल्ड रखकर चलें आप. लेकिन इस बीच एक डेवलपमेंट आपको बता दें कि आज ईपीएफओ की ट्रस्टीज की बैठक है और इसमें बैठक में बाजार में निवेश बढ़ाने पर फैसला हो सकता है. लेकिन अब तक की डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं और डिटेल्स ले लेते हैं इस बैठक से जुड़ी हुई. मेरे सहयोगी मौजूद हैं, प्रकाश प्रियदर्शी. बताइए प्रकाश, ये जो ईपीएफओ की बैठक है इसमें क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि खबरें तो यही हैं कि जो प्रपोर्शन है इन्वेस्टमेंट का इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स उसको लेकर, उसको बढ़ाने को लेकर शायद कुछ बातचीत हो सकती है. आपके पास और क्या डिटेल्स हैं?
देखिए वो बैठक अभी चल रही है और उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से एक्सपर्ट कमेटी ने भी जो रिकमेंडेशंस किए हैं सीबीटी को, उसमें ये कहा है कि 5% से बढ़ाकर जो इन्वेस्टमेंट का है अभी उसको 10% किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में अभी मीटिंग के दौरान जो एक बड़ी खबर आ रही है उसमें वो ये है कि जैसे ही मीटिंग शुरू हुई जो सीबीटी के चेयरमैन होते हैं लेबर मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि जो अनक्लेम्ड अकाउंट हैं या फिर जो इनऑपरेटिव अकाउंट हैं उसके जो अमाउंट्स हैं उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन ये लिया है कि उसको उसको उस पैसे का इस्तेमाल जो है सीनियर सिटीजन के लिए एक वेलफेयर फंड बनाने में किया जाएगा। तो उसको लेकर विवाद शुरू हो गया, सीबीटी के मेंबर्स मीटिंग से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि कैसे सीबीटी के जो पैसे हैं सीबीटी के मेंबर्स के कंसेंट लिए बगैर ईपीएफओ के पैसे का इस्तेमाल जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए वेलफेयर फंड बनाने में किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर ऐसा होता है कि जो इनऑपरेटिव अकाउंट है या फिर जो अनक्लेम अकाउंट है उसके जो मेंबर्स किसी भी तरीके से मिल जाते हैं और वो फिर उसका क्लेम करते हैं तो उसका पैसा कैसे दिया जाएगा। तो उसको लेकर बवाल हो गया। उसके बाद सीबीटी के जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग से बाहर आ गए। लेबर मिनिस्टर ने उनको फिर से इस बात का आश्वासन दिया है कि इस मसले को फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने उठाएंगे। उसके बाद मीटिंग फिर से शुरू हो गई है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को लेकर सीबीटी आज कोई ना कोई ठोस नतीजे पे पहुंचेगा और इसका रास्ता जल्दी साफ होगा। हमें अभी मीटिंग के फाइनेंस का इंतजार है। जी चलिए, शुक्रिया आपका प्रकाश। तो बैठक अभी भी जारी है और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपको बताएंगे।